हेलो फ्रेंड्स, आज कुक विथ मी के किचन में बन रहा है सूजी का हलवा। तो बिल्कुल अलग तरीका से आज हम बताएंगे सूजी का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अलग तरीका से सूजी का हलवा बनाने के लिए गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक कढ़ाई। सूजी का हलवा बनाने के लिए इस तरीके का कप या कटोरी को मेजरमेंट कप बना लें। तो इसी कप से, एक कप से थोड़ा सा कम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो एक कप से थोड़ा सा कम हमने लिया है, तो जितना ऑयल कम है उतना हम देसी घी मिलाएंगे। तो देसी घी हमें अभी नहीं डालना है, एकदम लास्ट में डालेंगे। अब इसी कप से एक कप हम सूजी लेंगे। तो एक कप हमने सूजी लिया है, तो गैस को पहले ऑन करके ऑयल को गर्म कर लेते हैं मीडियम। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर ले, तो हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को इतना गर्म रखना है कि सूजी डालते ही फूलने लगे। फ्लेम को मीडियम कर ले। अब ये सारा सूजी डालेंगे चलाते हुए। तो ये बबल जैसा बन रहा है ना, सूजी में फूलना स्टार्ट हो गया है। तो बस इतना ही हमें गरम चाहिए। और अब इसे अच्छे से मिक्स करें और सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी एकदम बारीक वाला यूज करें। अगर आपके पास मोटा सूजी है तो उसे ग्राइंडिंग जार में चला लें। अब मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनेंगे। तो 1 मिनट तक इसे भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें। तो 1 मिनट हो गया है। तो सूजी के हलवा में बाइंडिंग लाने के लिए इसमें थोड़ा सा एकदम बेसन मिलाएंगे। बेसन मिलाने से सूजी में एकदम अच्छा सा एक बाइंडिंग आ जाता है। तो 240 ml के कप से एक कप हमने सूजी लिया था। एक कप सूजी के लिए हम 1 छोटे चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। बेसन हम अभी इसलिए डालेंगे कि बेसन भी अच्छे से भून जाए सूजी में ही। तो अभी ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो हमने थोड़ा सा पिस्ता और काजू लिया है। अभी डालने से ये भी अच्छे से भून जाएगा। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में पहले ही ड्राई फ्रूट्स को भून के निकाल सकते हैं। सूजी और बेसन के साथ ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, इसलिए हमने अभी ही डाल दिया है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे। तो धीरे धीरे सूजी का कलर चेंज हो रहा है और सूजी से ऑयल भी बाहर आ रहा है। इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो सूजी को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। एकदम सूजी का पहले से कलर चेंज हो गया है, येलो टाइप में दिख रहा है और ऑयल भी सूजी से एकदम बाहर दिख रहा है। तो फ्लेम को एकदम लो कर दें। लो फ्लेम पर ही जिस कप से हमने सूजी और ऑयल लिया था उसी कप से इसमें 3 कप पानी डालेंगे। पानी का क्वांटिटी हम इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि सूजी बहुत पानी एब्जॉर्ब करता है। तो इसको डाल देते हैं हम इसमें। अब फ्लेम को मीडियम या हाई कर दें। अब इसी कप से, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चीनी डालेंगे और 2 से 3 हमने इलायची कूट कर रखा था, इसे भी हम डाल देते हैं। और हमने थोड़ा सा दूध में येलो फूड कलर मिलाया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन येलो कलर डालने से सूजी का हलवा बहुत अच्छा लगता है देखने में उसका कलर। तो इसे सारा डाल देते हैं इसमें। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हल्के हाथों से चला लें। पानी का क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएं कि सूजी अच्छे से पक जाए, फूल जाए। जिस चम्मच से हमने बेसन लिया था उसी चम्मच से 1 चम्मच इसमें देसी घी डालेंगे।
अगर आपको सूजी का हलवा ऑयल में बनाना है तो आप देसी घी लास्ट में ही यूज करें, अगर देसी घी में बनाना है तो लास्ट में देसी घी ना यूज करें। तो मीडियम या हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएं कि सूजी अच्छे से फूल जाए, इसमें का पानी सूख रहा है। तो धीरे धीरे हलवा एकदम थिक हो रहा है। अगर आपको लगे कि सूजी नहीं पका होगा उतना पानी में, तो आप लास्ट में भी पानी डालकर इसे अच्छे से पका सकते हैं। तो सूजी का हलवा थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो हलवा को हमने सर्व कर लिया है, तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो सही माप के साथ एक बार मेरे तरीका से ज़रूर बनाएं हलवा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।